हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, ये वेलकमिंग है खान सर का, वन एंड ओनली खान सर। आपको देख करके लग रहा है कि मतलब कितना भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। और इतना ही नहीं, बाहर इस ऑडिटोरियम के बाहर भी लोग बैठे हुए थे और खान सर को देख रहे थे। उनको तो ऐसा फीलिंग आ रहा होगा जैसे कि सेलिब्रिटी को फील आता है। खान सर कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है और सेलिब्रिटी उनके आगे कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए खान सर आ गए। जैसे ही खान सर आए तो देख करके कितना क्राउड बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा। वो अपने फ़ोन से हम सबका सेल्फी लिया, मतलब सारे स्टूडेंट का। ये देखिए सेल्फी ले रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट तो पागल है ही उनके लिए, और खान सर भी कम नहीं है, वो स्टूडेंट के लिए कुछ भी है। वो उनको स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और स्टूडेंट उनके लिए कितना पागल है वो तो आपको पिछले वीडियो में हम दिखाए थे। और खान सर बोलते हैं ना कि हम क्रांति लाएंगे, शिक्षा में हम क्रांति लाएंगे, तो उसका तो दिख ही रहा होगा कि वो क्रांति आ रहा है, मतलब कि इस भीड़ से पता चल रहा होगा। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा लोग मज़े किए। खान सर आए, पहले सब स्टूडेंट को हाय हेलो किए, उसके बाद कुछ कुछ बताएं, उसके बाद वो सेल्फ़ी लिए, और उसके बाद वो टीचर्स को वेलकम किए। हम लोग भी सेल्फी लिए उनके साथ, दूर से ही, क्योंकि पास तो जाना अलाउ नहीं था क्योंकि काफी भीड़ था। इस देश का भविष्य टिका है, आप ही लोगों को बताना है। आप में से कोई कल का अधिकारी जाएगा, कोई पता नहीं उसके अंदर में यही वाला डिपार्टमेंट आएगा, उसको यही सब देखना पड़ेगा। और हम लोग को बड़ा खुशी होती है जब कभी कोई इस तरह का गवर्नमेंट प्रोग्राम होना पड़ता है और परमिशन लेना पड़ता है, तो लंबा चौड़ा प्रक्रिया होता है। और खुशी का भी नहीं जब इसके पास परमिशन लेने जाते हैं, तो हम लोग पुराना में इतना पढ़ाया हुआ होता है, ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में आप सब लोग भी अपने अपने किसी न किसी प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं। और जो भी स्टूडेंट बाहर बैठे हैं, बाहर 3-4 हज़ार बाहर बैठे हैं, तो आप लोगों से हम लोग से अपना विनम्र निवेदन करते हैं, तो ये बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, लेकिन फिर भी कम पड़ गया, तो हम लोग इसके लिए आप लोग आराम से बैठेंगे, फिर सब लोग कॉम लेके आते हैं करके,
तुम सब लोग को लेके आए यहाँ पर, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है पटना में कि अब यहाँ पर पहले कहा जाता था कि तू प्यासा को कहा जाना पड़ता था, हमारा सिद्धांत है हर जगह पूरा खोल दो, न प्यासा जाए ना कुआ आए, हर जगह। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बार आपको बैठिए, हम सारे टीचर लोग से एक बार गेट टुगेदर हो जाए। खान सर बोलते हैं ना कि मेरे सामने कुछ रहे बस वो जिंदा मरे हुए मुर्दे को भी हम पढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो सही है। उनसे केवल स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी टीचर्स भी सब मोटिवेट होते हैं, और वो सारे टीचर्स को बुला करके लैम्प लाइटिंग सेरेमनी स्टार्ट किए। वो लैम्प लाइटिंग नहीं बोले, वो बोले कि हवन होता है, कुछ भी शुरुआत करने से पहले हवन होता है, तो चलिए हम लोग हवन करते हैं। उसके बाद स्टार्ट हुआ, और बाकी सब टीचर्स का फिर वो बारी बारी से वेलकम किए और सबके बारे में बताए, फिर सारे टीचर्स एक एक करके बताए थे सब कुछ। वो आपको अगले वीडियो में डाल दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।